रहता का उल्टा चश्मा। सॉरी भीड़े अंकल। अरे सॉरी क्या सॉरी, सॉरी क्या सॉरी, हाँ पहले गलती करो फिर सॉरी बोलो, हो गया। ऐसा कोई करता है क्या? अगली बार गैलरी में बॉल नहीं आनी चाहिए, कर लो। हाँ ओके ओके ओके, आ गया। ठीक है ना, गलती हो जाती है, जानबूझ के थोड़ी करते हैं बच्चे। हाँ तो करते माला, मैं अभी डांटने नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस सोसाइटी ऑफिस ही जा रहा हूँ काम से। अरे उधर से देख 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 देख, रुको रुको रुको, सब लोग रुको, मुझे सोसाइटी ऑफिस जाने दो, उसके बाद खेलना। धूप बहुत है ना, चलो 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 चलो, रुको 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 रुको। सुनो, अरे यार क्या कर रहा है, दे 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 दे, अरे यार पिंकू यार, अरे यार दे दे दे, आराम से आराम से आराम से आराम से, गोली पास दे, गोली पास, गोली पास दे, ये ले पिंको, थोड़ी गोल मार गोल मार गोल मार। पुत्री गेम ओवर बाबा, ठीक तू? अब भिड़े अंकल आपको जोर से तो नहीं लगी? अरे तुम लोग का क्या चल क्या रहे, तुम लोग ने आज डिसाइड कर लिया कि मेरी हड्डी पसली करके रहोगे? नहीं, पहले छाती में मारा अभी कमर में मारा, चल रहे का? सॉरी भिड़े अंकल। अच्छा मतलब इस बार किक तुमने मारी थी? तुम बोले, तूने इतने जोर से किक क्यों मारी? भिड़े अंकल गिर गए ना। अरे गोगी क्या बोल रहा है यार, भिड़े अंकल मेरे किक की वजह से थोड़ी गिरे, भिड़े अंकल तो सीढ़ियां उतरते हुए गिरे। उतरते हुए? अरे ये निर्लज्जा, तुमने जोर से किक मारी जो मुझे कमर पे लगी ना, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस गया, मैं नीचे गिरा हूं। हाँ कुछ नहीं माधवी आंटी, वो भिड़े अंकल सीढ़ियां उतरते हुए गिर गए। ऐसे कैसे गिर गए? अरे ये निर्लज्ज, पूरी बात बोल। आई वो हुआ यूं कि हम लोग खेल रहे थे और गोली ने किक मारी, तो वो बॉल गलती से बाबा को लग गई, उनका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गए। हां वो बाय मिस्टेक ली हो गया माधवी आंटी। ए देवा परो, वो काय चला था? उठे चलला, उठे काय, हाथी भाई कडे जातोय बाबा। हां बराबर, चलो चलो। देखो ये दवाई को दिन में दो बार खाने के बाद लेनी है, ठीक है? सब ठीक होगा, डोंट वरी। अरे भिड़े मास्टर, आओ आओ बैठो 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 बैठो, आराम। भिड़े मास्टर क्या हुआ तुम्हें? अरे कुछ नहीं पापा, वो भिड़े अंकल सोसाइटी ऑफिस के सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए। ये पूरी बात बताता ही नहीं है कभी। अरे ये गोया पूरी बात बोलना, क्या हुआ आती भाई? ये लोग फुटबॉल खेल रहे थे तो गोया ने किक मारी जो मुझे यहाँ पे लगी, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस गया और मैं नीचे गिर गया और मुझे कमर में चोट आई। गोली बेटा। पापा मैंने जानबूझ के नहीं मारा है, वो गलती से लग गया।
और ऐसी गलती दो बार कर चुके हैं ये। दो दो बार गोली बेटा। नहीं पापा, पहली बार मैंने नहीं मारा। हाँ पहली बार तो टप्पू ने किक मारी थी ना, जो बॉल मुझे छाती पे लगा था। हाँ वो अच्छा अच्छा बीड़े अंकल का बैड लक है। हे भगवान, आपको क्या हुआ? हमारे गांव में एक बार एक आदमी को दो बार ऐसे ही फुटबॉल लगा था। तो ऐसे बॉल लगना आम बात है। हाँ दो दिन तक वो ठीक भी रहा, लेकिन तीसरे दिन उसकी कमर अकड़ गई। और आज 5 साल बीत गए, लेकिन पता है वो कैसे चलता है? कैसे? एक मिनट साइड हटिए। हाँ ये तो नॉर्मल ही है। अरे एक मिनट बता रहा हूँ। ऐसे? अरे बाप रे, यो ऐसे कैसे? इसका कुछ तो इलाज होगा ना? हाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन करने कहा था, लेकिन वो माना नहीं। उत्तरी खाती अंकल, आप आज ही बीड़े अंकल को ऑपरेशन कर दो। गोगी बेटा, सबके साथ एक जैसा नहीं होता, और तुम भिड़े मास्टर को डराओ मत। मैं हूं ना, मैं भी चेक करता हूँ। आप दवाई याद से ले लेना। ठीक है, ये आपकी फीस। थैंक यू। भिड़ी मास्टर इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आओ। माजी भाभी, हाँ अब मुझे बताओ एग्जैक्टली कमर में कहाँ दर्द हो रहा है? ये इस तरफ। या, 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 या। नहीं यहाँ पे नहीं, नहीं। इस तरफ दिख रहा हूँ। चेक कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। यहाँ आगे थोड़ा सा आगे। ये एक काम करो, खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें जैसे स्ट्रेचिंग कराता हूँ वैसे करो। देखो पहले इस तरफ ऐसे। आराम से, आराम से। अभी उस तरफ करो, उस तरफ। हाँ धीरे से। हाँ इस तरफ हो रहा है, उस तरफ हो रहा है, कोई बात नहीं। अभी देखो ऐसे ऐसे ये कमर इस तरफ करो। हाँ आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो भिड़ी मास्टर, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हें नॉर्मल सा मसल पुल हुआ है। थैंक गॉड। ठीक है, इंजेक्शन क्यों? ओयो नहीं नहीं इंजेक्शन नहीं देना है, ये तो मैं ऐसे बाजू में रख रहा हूँ। ये माधवी भाभी, ये हॉट वाटर बैग है, इसे हर 2 घंटे में गर्म पानी से सेक करना है। ये लीजिए। और अगर ज्यादा दर्द हो तो ये वाली गोली दिन में एक बार। ठीक है, थैंक यू आती भाई। थैंक यू आती भाई, थैंक यू, थैंक यू। आराम से बाबा। गोली देने पड़े ना, आराम करना। हाँ थैंक यू आदि भाई, थैंक यू आदि भाई। ओके बच्चों, ऐसे खेलते हैं कि किसी को चोट लग जाए। सॉरी पापा, सॉरी अंकल, सॉरी। ध्यान रखना। ओके हाँ हाँ, चल चल। टप्पू अब क्या खेले? गोगी अभी नहीं खेलते हैं यार, और वैसे भी भिड़े अंकल को हमारी वजह से दो दो बार लगा। यार सोनू, भिड़े अंकल हमसे बहुत नाराज होंगे ना? हाँ फ्रेंड्स, बाबा नाराज तो होंगे, बट आई एम श्योर अगर हम उन्हें सॉरी बोलेंगे, अच्छे से मनाएंगे, तो वो जरूर मान जाएंगे। हाँ? अच्छा? हाँ तो सॉरी बोलते हैं ना। चलो 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 बेटा, चलो झगड़े नहीं करते, सॉरी बोलते हैं पहले उनको। यार मजा आएगा। सावकाश। ओहो तो है ना। हो अभी ना आप अंदर जाके आराम कर लीजिए। अरे इतना दर्द हो रहा है माधवी, इतना दर्द हो रहा है कि मेरा मन ना नाचने का कर रहा है। तेज मिनट में बोल रहा तुम्हें मेरा मन नाचने का कर रहा है। गिरे थे आपको लगे कमर पे?
मैं गिरा था लेकिन मुझे कुछ दर्द नहीं हो रहा है, मैं नाटक कर रहा था। ये देखो पता चला? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे कैसे पता चलेगा, मैं वही नेचुरल एक्टर। तुम्हें पता है हमारे जमाने में मुझे हमेशा नाटक में मेन रोल दिया जाता था। जमाना रहा उद्या बाजूला, ऐसा करना एक शिक्षक को शोभा देता है क्या? अच्छा तो शिक्षक को दो दो बार फुटबॉल मारना इनको शोभा देता है? अभी देखो कैसे शांति है, बिल्कुल भी आवाज नहीं हो रही है, कैसे चुपचाप खड़े यहाँ पे। भिड़े अंकल, आपने हमारा खेल रोकने के लिए नाटक किया। कहाँ है बाबा? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भिड़े अंकल, हमें बहुत बुरा लगा था कि हमारी वजह से आपको दो दो बार लगा, और हम तो आपको सॉरी बोलने आए थे। हाँ बाबा। हाँ। और आप हमारे साथ गेम खेल रहे थे, नाटक कर रहे थे। भिड़े अंकल, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल गलत बात है भिड़े अंकल। ये ड्रामा कंपनी, अभी ये ड्रामा बंद करो। मुझे पता है तुम लोग नाटक कर रहे हो, मैं कितना भी डांटू कितना भी बोलू तुम लोग खेलना तो बंद करोगे नहीं। भिड़े अंकल, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा। चलो फ्रेंड्स, हम फिर से जाके खेलते हैं। याला मंटात पालत्या कडे वरती पाणी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। ए सुनीता ली। ओ नो, अभी सुनीता आंटी आ गई, अब तो हम नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते, बिल्कुल खेल सकते हैं। अच्छा मतलब अभी सुनीता भाई परेशान करेंगे? नहीं, हम नीचे थोड़ी खेलेंगे। तो कहाँ खेलोगे? यहाँ। पापड़ फेंकूं मारे तुम्हें? आओ, मैं बोलता हूँ। अरे कोई बात नहीं, बात भी आंटी फेंकने दीजिए। भिड़े अंकल, खाली फ्राई करके फेंकना। ये निर्लज्ज कार्टी। चलो अभी कुछ देर ही सही, लेकिन शांति रहेगी। हाँ वो पटापट पैकिंग कर लो। अभी शांति में तो मैं हिसाब करके पैकिंग करूँ। बोलो पहले हिसाब कर लीजिए फिर पैकिंग कीजिए, मैं सब्जी लेके आती हूँ। वाओ, अच्छा हुआ सुनीता तुमने शेड के नीचे गाड़ी लगा दी। हाँ। आहा। अरे माधवी भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनीता, आज सब्जी है ना, 1 किलो के बदले 1 किलो 200 ग्राम देनी होगी। हाँ क्यों? अरे गीली जो हुई है सब्जी, पानी का भी वजन होता है कि नहीं? बरोबर है, बरोबर है सुनीता। इतना? अच्छा तो 1 किलो 100 ग्राम दे देना। काय तुम्ही कोमल भाभी। अच्छा सुनीता, नींबू का ऑर्डर दिया था मैंने, लेके आई है मेरे लिए। क्या माधवी भाभी, आपको ऑर्डर कैसे भूल सकती हूँ, ये लो। कितना हुआ इसका? 400 रुपए। 400? इतने महंगे? सुनीता मेरा तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे कैसे नुकसान होगा माधवी भाभी, आप भी आचार के भाव बढ़ा दीजिए ना। इबो असो थोड़ी असतो सुनीता, सब्जी के दाम ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन अचार का थोड़ी मैं ऐसे कर सकती हूँ। तो कोई अचार नहीं खरीदेगा मुझसे। माधवी भाभी अब मैं क्या करूँ, मार्केट में माल कम आ रहा है तो भाव बढ़ जाते हैं। हर चीज महंगी होती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं लेती है, इसलिए तो महंगाई को बढ़ता बच्चा कहते हैं। कब और कैसे बढ़ जाती है पता ही नहीं चलता। और ये दाम ऊपर नीचे होते हैं ना, इसलिए हम गृहिणियों का बजट हिल जाता है। बराबर है, हर चीज का दाम बढ़ेगा तो हमारा बजट तो हिलेगा ही ना। हाँ। सुनीता, वो मॉल में कैसे मॉनसून डिस्काउंट होता है, तुम्हें भी ना अपनी सब्जियों पे मॉनसून डिस्काउंट देना चाहिए। हाँ, सुनीता की सब्जियों पर सेल सेल सेल। हाँ। वाह। ठीक है, तो मैं भी आज आपको डिस्काउंट दे देती हूँ। हाँ? वाह, नशीब सुधार ली भाई। बोलो क्या चाहिए? भिंडी कैसे दी? 100 रुपए किलो। 100 रुपए? अरे सुनीता तू मॉल में सब्जी बेच रही है क्या? 50% डिस्काउंट भी दे रही हूँ ना, तो आपको 50 रुपए किलो में भिंडी मिलेगी। वाह बोलो पार। अच्छा मतलब भाव डबल करके डिस्काउंट दे रही हो। तो मॉल में भी ऐसा ही होता है ना? हाँ हाँ, ओहो असच होता। अच्छा सुनीता,
हमारी अंजलि भाभी के लिए कोई स्पेशल पैकेज है कि नहीं? है ना, एक किलो करेले के साथ एक किलो करेला फ्री फ्री फ्री। वाह, अरे वाह, दे दो दे दो। एक मिनट, वैसे एक किलो करेले का भाव क्या है? 150 रुपए किलो। मानसून डिस्काउंट चल रहा है ना। सुनीता, मॉल में एक पे एक फ्री स्कीम तो देते हैं, लेकिन एक साथ दोनों का पैसा लेते हैं और बोलते हैं एक पे एक फ्री। हाँ, अत्ता बरोबर समझ लो तुम्हारा। लेकिन फिर भी मैं आज आपको ना मानसून सेल का मजा दूंगी। अच्छा बताओ, ये अदरक पे क्या स्कीम है? 100 रुपए पाव किलो अदरक के साथ एक जुड़ी धनिया फ्री। अब भी मजा आएगा भाजी खरीदने का। आज सुनीता के वजह से ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब्जियां भी मॉल के मॉनसून सेल में खरीद रहे हैं। हाँ। सुनीता, तू तो बड़ी होशियार निकली, एकदम बिजनेस वुमन की तरह। कौन बोलेगा तू चौथी पास है? एब्सोल्युटली। अरे पावरी, अरे बावरी। कितनी क्यूट लग रही है ना। हाय, वेलकम वेलकम। क्यूट यू लुक। हेलो, हाय, क्या बात है बावरी, आज यहाँ? हाँ मंजलि भाभी। मंजलि भाभी? मंजलि भाभी नहीं, अंजलि भाभी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई सविता जी। कम ऑन बावरी, सविता जी नहीं बबीता जी। सॉरी सॉरी, फिर से गलती से मिस्टेक हो गई सोनल भाभी। वाटलस मला, अग बावरी कोमल भाभी है त्या। सॉरी सॉरी जानवी भाभी। अरे माधवी भाभी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई अंजलि भाभी। अत्ता बरोबर बोल लेस का। अच्छा बावरी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? वो क्या है, मैंने शादी ब्याह के लिए मेहंदी का ऑर्डर लेना शुरू किया है। अरे वाह। वो क्या है, घर पर बैठकर कुछ करना चाहिए ना। क्योंकि आदमी हो या औरत, घर पर अगर बेकार बैठा रहे तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि मेहंदी का बिजनेस शुरू कर दूं। शाबाश, अच्छा। क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ, वो क्या है, पहले मेहंदी लगाने का बिजनेस स्टार्ट करूंगी, फिर धीरे धीरे ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। अरे वाह, नाइस थॉट बावरी, वेल डन। थैंक यू, ये लीजिए पैम्पलेट। लीजिए। थैंक यू, आप भी लीजिए, ये लीजिए। आप भी लीजिए। अ हैंड विद हेना बाय बावरी। क्या बात है, वाह बावरी, पैम्पलेट पर छप ले, सॉलिड है तू। क्या बात है बावरी, कीप इट अप। आप लोगों के कांटेक्ट में किसी का ऑर्डर हो ना तो जरूर बताना। ऑफ कोर्स, जरूर, पक्का। बावरी, हमारे पोपट भौजी की शादी होगी ना, तब तुझे ही ऑर्डर देंगे हम। अरे पोपट लाल जी की शादी होगी तब तो मैं सबको मेहंदी फ्री में लगा के दूंगी। अरे अरे, सो स्वीट। सुनीता, वैसे पोपट भाई की शादी में तुझे भी डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये भी कोई कहने की बात है, पोपट भाव की शादी तो खुशी की बात है, तब तो मैं 20% सब्जी पे डिस्काउंट दूंगी। ओहो हो, सुनीता मॉल वाली नहीं, असली डिस्काउंट। हाँ बबीता जी, पोपट भाव की शादी कितनी खुशी की बात है, और ऐसी खुशी की बात पे तो डिस्काउंट बनता ही है। बिल्कुल। हाँ बावरी, ये बहुत बढ़िया काम शुरू किया है। हाँ, इस नए काम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अभी मुझे और कई जगह पैम्पलेट्स देने जाना है, आपके पहचान में किसी का भी ऑर्डर हो ना तो मुझे रेकमेंड करना। ओके, मैं चलती हूँ। ओके, बाय। अच्छा सुनीता जी, आप मेरी एक हेल्प कर सकती है? हाँ? आप जहाँ पर भी सब्जी बेचने जाए ना, उसके साथ ये मेरे पैम्पलेट्स बांट देंगी प्लीज? हाँ चलेगा, दो। थैंक यू, बाय बाय। चलो चलो सब्जी ले लो। हाँ, 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 हाँ। ये मैंने ले लिए करेले और ये लौकी। हाँ। अच्छा हुआ कि भिड़े को कुछ नहीं हुआ, अच्छा हुआ कि भिड़े की कमर नहीं टूटी, अगर कमर टूट जाती ना तो गोकुल धाम में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता। लेकिन इस बार हमें आत्माराम भिड़े के बारे में एक नई बात पता चली, वो नाटक बहुत अच्छा करता है,
और इस बार तो वो अपने नाटक में कामयाब भी हो गया, क्योंकि सब्जी वाली सुनीता आ गई और बच्चे अपनी गेम खेल नहीं पाए। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, कभी बाजी इस तरफ तो कभी बाजी उस तरफ। भाई जिस तरह से बरसात में रास्ते में गड्ढे होना आम बात है, रास्ते में पानी भरना आम बात है, ठीक उसी तरह से गोकुल धाम में हंगामे और तूफान आना आम बात है। तो सोमवार को एक नया हंगामा होने वाला है, ये हंगामा क्या होगा बता दूं? अरे पहले से बता दूंगा तो मजा कैसे आएगा। लेकिन एक बात है, ये हंगामा हंसी और ठाकुर की लड़ी लेकर आएगा। देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से? सुंदर तुम्हारा साला है? हाँ अभी क्या कर सकते हैं? हाँ सुंदर साला मेरा है। जल्दी से तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ, उसने बहुत बड़ा गफला किया है। आप उसने क्या किया? क्या पुलिस स्टेशन आओ, सब पता चल जाए। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।